गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टर्न था न्यूमेरिकल का। तो आज मोस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल होंगे दैट विल बी सुटेबल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा फिट हैं। एक दो न्यूमेरिकल बाद में दूंगा जो कि कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, और वैसे आप लोग चिंता मत करिएगा। बाद में हम कम्पिटिटिव लेवल के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करवाएंगे और आपको डीपीपी भी देंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उसका क्वेश्चन भी रहेगा और सलूशन भी रहेगा। तो फिर मैं बोलूंगा इस विषय पर, अभी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब चैप्टर समाप्त होगा तो ज़रूर दूँगा। हाँ, तो जो क्वेश्चन होंगे सब कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कहाँ से देंगे, तो क्वेश्चन तो वो अब कुछ डिजाइन करने सीख गया हूँ कैसे क्वेश्चन डिजाइन किया जाए। तो कुछ क्वेश्चन डिजाइन करूँगा, कुछ क्वेश्चन कहीं से लूँगा, इस तरह से जो है आपको 10-20-15 क्वेश्चन तो दूँगा पक्का है, कि थोड़ा सा लोअर मीडियम एंड हाई ना, हर तरह के, लेकिन सब के सब जो है आपके कम्पिटिटिव लेवल के होंगे। तो आइए पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कॉपर वायर है ये, ठीक है, इसको पूरा शब्द नहीं दे रहा हूँ, सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ। इसकी लेंथ जो है 0.2 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 mm² है, और इसको जो वोल्टेज दिया गया है वो वोल्टेज है कितना, 4 वोल्ट है, कितना 4 वोल्ट है, और इसकी जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो 4.5 × 10⁻⁶ m² प्रति वोल्ट सेकंड है। कराया कि I बराबर क्या होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब I का इससे तो कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, हाँ, तो पहले हम आई से ही शुरू करते हैं। आई बराबर वेना, तो वी डी ई एन ई पढ़ चुके हैं आप लोग, और एक बात ये पढ़े हैं कि ई इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन एन पढ़ चुके हैं, और एक चीज और पढ़े हैं क्या, मोबिलिटी में कि म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ओके, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू ई होगा कि नहीं। अब ई की वैल्यू यहाँ से रख दो, म्यू ई वी अपॉन एल आ गया। आप देखो केवल यही नहीं दिया गया था, एन नहीं दिया गया था, एम भी नहीं है इसमें, एन नहीं है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई बराबर वी डी की जगह क्या लिख दें, ये लिख दें म्यू वी अपॉन एल ई एन ए। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, एन, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, एन, और एन दिया नहीं हुआ है, एन मालूम नहीं है। अच्छा, लेट मी सी द क्वेश्चन, व्हाट आई थिंक आई हैव डन समथिंग मिस्टेक इन क्वेश्चन, लेट मी सी प्लीज। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कॉपी में लिखा था, यहाँ एन निश्चित रूप से मैं भूल गया था, तो एन को मान लेते हैं इतना, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू पुटअप करना है बेटा, क्या वैल्यू पुटअप करना है, म्यू की वैल्यू दी हुई है इतना 4.5 × 10⁻⁶, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 4 वोल्टेज दिया हुआ है ना, वी जो है 4 वोल्टेज दिया हुआ है, और ई का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। एन का मान हमने लिया कितना, 6.02 × 10⁻²⁴ लिया। अब बेटा यहाँ ए है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, 1 मीटर में बेटा कितना मिलीमीटर होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1 × 100,000,
10 पावर 3 एमएम होता है, इतना एमएम होता है। यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर दूं तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 पावर 6 एमएम स्क्वायर। इसका मतलब एमएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, तो ए का मान कितना हो जाएगा बेटा, और 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अपॉन एल 0.2। बेटा अब हमको इसी को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब बेटा इसको 6 ही रहने देता हूँ यार, रहने दो 6.0 हटा दो, जो एल की वैल्यू लिखे थे एल बराबर 6.02 × 10⁻24 लिखा था ना, तो इसको इसको हटा दो, क्यों 6 रखो, हटा जाए दो 6 रख काम में क्या हो जाएगा। पहले नंबर को एक साथ कर लेता हूँ मैं, नंबर क्या है, I बराबर 4.5 × 4 × 6 × चल अब बताओ ये 10⁻⁶ - 6 10⁻¹२ और -12 और -19 कितना लगा दो 11 1 + 2 = 3 -31 और +24 तो 11 में से 4 गया 7 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो 10⁻ क्या होगा -7 तो हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 0.2। ओके चलो बेटा, तो अब 1 डिजिट पर ऊपर डेसिमल और 1 डिजिट पर नीचे डेसिमल, तो इसको 45 लिख दूँ 4 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन 2 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 4 × 3 = 12 12 का मल्टीप्लाई इसमें करो 45 में 12 × 5 = 60 0 × 8 = 6 12 × 4 = 48 48 × 6 = 54 540 × 10⁻⁷ एम्पियर में आ रहा है। इसको 5.4 लिख सकता हूँ, 5.4 कैसे लिखूंगा बेटा, जब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का डिवाइड ही तो करना पड़ेगा भाई, 100 से हमने डिवाइड किया, 100 से हमने डिवाइड किया तो 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10⁻⁷ एम्पियर बराबर 5.4 × 10⁻⁵ एम्पियर, ये आपका हो गया आंसर। अब मिली एम्पियर में चेंज करना होकर डालो क्या मतलब अपने से, तो इतना आंसर हो गया आपका। तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा आवाज़ पूरी नहीं निकाल पा रहा हूँ बेटा। तो बेटा एक कापर वायर है आपका, कापर वायर है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, सॉरी यार, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है वह 2.0 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वह 3 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर रहा है यहाँ तक पहुँचने में टी बराबर क्या, ये पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई तो एल है ही, तो टाइम बराबर, समय बराबर, दूरी बटे 4 टी स्क्वायर एल अपॉन वी डी। तो वी डी तो बेटा यहाँ कहीं दिया नहीं गया है, वी डी कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे यार, आई बराबर वेना वी डी ई एन ए ना, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई अपॉन ई एन ए, वी डी बराबर आई अपॉन ई एन ए। तो चलो बेटा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी आई अपॉन ई एन ए, यानी टी बराबर क्या हो गया,
L E N E अपान आई, ठीक, अपान आई। अंधेरा हो रहा है, पानी तो बरसात तो होगी नहीं, सिर्फ अंधेरा कर रहे हैं। चलो बेटा, अब इसमें जो है चलो वैल्यू हमको पुट अप करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट अप करना है। तो आप चलो बेटा, तो एल का मान कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, एन का मान दिया हुआ है 8.5 × 10⁻¹⁸, और सॉरी एन का मान, और ए का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻¹⁶ अपान आई, 3 से 3 कट गया। अब केवल इसी को कैलकुलेट कर लेना है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2.72 × 10⁴ सेकंड आता है। अब इसको तो बेटा बहुत आराम से आप लोग घंटा मिनट बदल सकते हो। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 आवर्स 20 मिनट आएगा। ये तो भाई कक्षा 5 का है, इसको कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नोट प्लीज, तबीयत नहीं ठीक है, 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। नोट करें प्लीज। चलो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जब वोल्टेज को 50 रखा गया तो 2 मिली एम्पियर की धारा बही, ठीक है। और जब वोल्टेज को 60 वोल्ट रखा गया तो 3 मिली एम्पियर की धारा बही। करा कि स्टेट वेदर कंडक्टर इज ओमिक आर नॉन ओमिक। तो ओमिक कंडक्टर तब होगा जब आर कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? आर कांस्टेंट आएगा। तो केस 1 में देखता हूँ, केस 1 में तो R1 = क्या हो जाएगा? V = IR, R = V/I। तो V1/I1, V1 कितना है? 50 वोल्ट। I1 कितना है? 2 मिली एम्पियर। इसमें 10⁻¹⁶ का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो बराबर कट जाएगा 25 × 10⁶ एम्पियर, सॉरी ओम, सॉरी ओम हो गया। अब केस 2 में देखो जरा, I2 = V2/I2, सॉरी यार, V2/I2, V2 कितना है? 60 वोल्ट। I2 कितना है? 3 मिली एम्पियर। तो इसको हम 3 × 10⁻¹⁶ एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये जब कट जाएगा तो 20 × 10⁶ ओम आएगा। तो R1 is not equal to R2, R1 is not equal to R2, hence कंडक्टर इज, मतलब कांस्टेंट तो नहीं है ना। अगर R1 R2 बराबर होता तो कहते R कांस्टेंट है, तो कहता कि मैं ओमिक है ये ना, ओ मतलब ओमीय परिपथ है या ओमीय चालक है ना। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रहा है, तो क्या करेंगे? कंडक्टर क्या है? अनओमी है। कंडक्टर इज नॉन ओमी, अनओमी, ठीक है। नोट कर ले प्लीज इसको। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक वायर है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 cm है। इसका मतलब कितना हुआ? 10 × 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, 10 × 10⁻²⁰ मीटर बराबर 10⁻¹ मीटर, ओके। अब ये दिया हुआ है mm² में। अभी हमने किया कि 1 मीटर में कितना होता है? 10³ मिलीमीटर होता है। स्क्वायर करेंगे 10⁶ होगा, तो 1 × 10⁻¹⁶ मीटर² ओके। आई एम्पियर दिया है, रो इतना ओम मीटर है। करा आर कितना है और वोल्टेज वी कितना है? इस तार या जो कॉपर वायर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? तो पहले तो आर निकाल लेता हूँ। R = ρ L/A आप कर लेंगे बहुत आराम से। रो कितना दिया हुआ? 1.7 × 10⁻¹⁸। अब एल कितना दिया हुआ है? 10⁻¹⁰। अपान ए कितना हुआ है?
1 × 10⁻⁶ बहुत आराम से, ये कितना हुआ 1.7 × 10⁻⁹ -9, ऊपर जाएगा ये 10⁶ और 1.7 × 10⁻³ -3 ओम निकल गया। अभी इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हुआ 1 R 1.7 × 10⁻³ ओम। अब क्या हो जाएगा, तो बोल्ट हो जाएगा ना एम्पियर ओम, ये क्या हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा, और 1.7 × 10⁻³ वोल्ट। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि I का मान क्या है एक है। नोट इट प्लीज, ये सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। ए और बी दो कंडक्टर हैं, देखो ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, दोनों के लेंथ 40 मीटर्स हैं, कितना 40 मीटर, दोनों की लंबाई समान है, और कंडक्टर ए का जो रेजिस्टेंस है 40 ओम है और कंडक्टर बी का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। अब दोनों का, ए और बी दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट जो है वो 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, तो दोनों कंडक्टर ए और बी को जोड़ा गया है और इसके साथ फिर क्या किया गया है, कंबाइंड रूप से, समृद्ध रूप से इसको एक सेल से जोड़ दिया गया, सेल से जिसका वोल्टेज है 60 वोल्ट। अब आपके आपसे चार क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, प्रत्येक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाँ प्रत्येक कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी क्या होगी, प्रत्येक कंडक्टर की मोबिलिटी मतलब गतिशीलता क्या होगा। चलो बेटा पहले निकाल लो, रो इज इक्वल टू, रो ए किसका निकालेंगे, रो ए आर ए एल अपॉन ए, क्योंकि एल और ए तो कॉमन है बेटा, दोनों का एल 40 है, दोनों का ए कॉमन है, ठीक है। तो एक काम करूं क्या, एल अपॉन ए निकालूं क्या, चलो क्या फर्क पड़ता है, आर ए 40 एल 40 अपॉन ए 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 1600 × 10⁻⁷ ओम मीटर। चलो अगर हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो 1.6 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 10⁻³ से 10⁻⁴ ओम मीटर। चलो अब रो ए निकल गया, अब इसे रो बी भी निकाल लो, तो आर बी एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये 20 × 40 / 10⁻⁷। ये भैया क्यों, देखो इसका ये आधा है तो क्या कर दोगे इसको, 0.8 × 10⁻⁴ ओम मीटर, या 8 × 0 कर दो, कैसे आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा -5 ओम मीटर, पाला हो गया। अब ई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ई, तो ई तो जान रहे हो तुम लोग, ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वी अपान आर, वी दिया है आर नहीं पता है, तो अब देखो जो फर्स्ट हो गया है आपका, सेकंड जरा देखो, ये दोनों के दोनों कंडक्टर सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, हाई स्कूल पढ़ चुके हैं, अभी आगे वीडियो हम देंगे, तो आर ई बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, तो क्या हो जाएगा 40 + 20 = 60 ओम ना, तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल, मतलब ई ए निकालना है ना, ई ए निकालना है, तो वी अपॉन एल, वी अपॉन एल। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि एल तो पता है लेकिन वी कितना होगा, प्रॉब्लम यह है कि इसका वोल्टेज कितना होगा, वी ए कितना होगा, तो समस्या इस बात की है कि पहले आई निकाल लेता हूं, वी इज़ इक्वल टू आई आर, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर ई, वी कितना है बेटा 60, आर ई कितना 60 = 1 एम्पियर, तो वी ए मतलब जो ए
ए कंडक्टर है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो आई आर ए, आई आर ए बराबर ए गुणे कितना बेटा 40, बराबर क्या होगा 40 वोल्ट। तो वी बी कितना होगा बेटा, आई आर बी, आई एक आर बी कितना है 20, बराबर 20 वोल्ट। तो वी ए निकल गया, वी बी निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ई दिख रहा है कि नहीं बेटा, ई अभी दिख रहा है। तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बराबर वी ए अपॉन ई एल। तो वी ए कितना निकला बेटा, वी ए 40 और एल कितना है 40, एल ए ना बराबर कितना हुआ 1, कितना आया 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, और वी बी अपान एल बी। तो वी बी कितना है बेटा 20 वोल्ट, कितना, और एल बी कितना है 40, और 0.5 वोल्ट पर मीटर। चलो बेटा यह भी निकल गया आपका, इतना नोट करिए, ब्लैक बोर्ड की जगह कम है, इतना नोट करें प्लीज, तब मिटाऊं। अच्छा सुनो, पहले जे तो जो है दोनों के लिए समाप्त होगा, समान होगा बेटा ना। तो जे बराबर क्या होगा, थर्ड में देख लो, जे बराबर आई अपान ए, आई अपान ए, आई कितना निकाले हम लोग 1 ओम, 1 अपान 10 पावर -7 बराबर 10 पावर 7, बोलो एम्पियर पर वर्ग मीटर। और ये तो जे ए हो गया, जे बी भी इतने ही होगा, 10 पावर 7 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। अब निकल गया म्यू, तो चौथा देखो बेटा, म्यू ए 1 अपॉन रो ए, तो रो ए तो निकाला हूं ना, रो ए इतना आया है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 × 10 पावर -4 ना। तो इसको हल कर सकते हो बेटा कि 1.0 अपॉन 1.6 × 10 पावर 4, और ये 10 अपॉन 16 हो जाएगा ना, 10 अपॉन 16 × 10 पावर 4, और 5 अपॉन 8 दिख रहा है कि नहीं, यह भी तो गड़बड़ है, नहीं दिख रहा है यार, एक सेकंड रुको रुको, कैमरा थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ प्लीज। चलो ए या और जगह ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सब जुआ सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, चलो रहने दो, इतना ही रहने देता हूँ। अब क्या निकालूँ, म्यू बी, सॉरी अब क्या निकालूँ, म्यू बी 1 अपॉन रो बी। अरे यार गलत कर रहा हूं क्या, इमोबिलिटी है यार, कंडक्टिविटी मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दिया कंडक्टिविटी। चौथा क्वेश्चन क्या था, म्यू ना, गड़बड़ कर दिया यार, गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, ये गड़बड़ है, इतना नोट करो तब लगाऊ, तो मोबिलिटी एक क्या एक तो जे ए जे बी निकाल दिया, ये जे क्या है, चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, वो रेजिस्टिविटी होता है, ये तो मोबिलिटी है, सॉरी नोट इट प्लीज बेटा। चूंकि एल का मान नहीं दिया गया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए हम मोबिलिटी निकाल ही नहीं सकते,
मोबिलिटी निकाल नहीं सकते। यही क्वेश्चन कभी कभी बनाने में गड़बड़ी हो जाती है। चलो ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब विद्युत बल्ब, बल्ब भैया बल्ब देखे हो ना, ऐसे क्या ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, दो वायर इसमें चप्पे लगे होते हैं, पिन लगा होता है, दो वायर लगे होते हैं, इसमें भी कांच का होता है, इसमें ऐसे फिलामेंट लगा होता है कि नहीं होता है बल्ब में। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैम्प वोल्टेज इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स, आई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, लेंथ ऑफ फिलामेंट, इस फिलामेंट की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो है रेजिस्टिविटी जो है 5×10⁻¹ ओम है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ फिलामेंट, जो वायर है ना, फिलामेंट जो है आप देख रहे होंगे, इसका डायमीटर कितना है। तो ये भैया आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो और वी बराबर आई आर से, वी इक्वल टू आई आर से, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ए क्या होगा बेटा, ये वायर है ना, ये वायर है, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर रेडियस निकल जाता है तो डायमीटर निकल जाएगा आपका। अच्छा पाई को इसे छोड़े रहने दो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल आई अपान पाई वी। और बेटा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दूना, रेडियस का दूना होता है, तो डायमीटर ठीक है, तो ये आर बराबर डी बाई टू, ये डी फॉर डायमीटर, बराबर रो एल आई अपान पाई वी। चलो बेटा स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 रो एल आई अपान पाई वी। बेटा बस इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सबकी वैल्यू रखो बेटा, 4 रो की वैल्यू कितना है, 5×10⁻¹ ना, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको तो 220×10⁻², मीटर हो जाएगा ये ना। आई कितना है, 0.2 अपॉन पाई, 3.14। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200, 200 बेटा ये वोल्टेज दिया हुआ है। चलो यहाँ 0.2 है, इसको 0.0 कर सकता हूँ कि नहीं, चलो 4×5 = 20, 20×20 = 400, गुणे 10⁻¹, गुणे 2/3.14, गुणे 2000, 91,000। तो ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1000, और सुनो 1010010 कट गया बेटा, तो ये कितना आया हमारा, डी स्क्वायर बराबर 4×10⁻¹ अपान 3.14×10, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, 4×3.14×10⁻¹। आ बेटा अगर भाग देंगे तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, जब हम भाग देंगे तो निकलेगा आपका क्या, इसमें 1.27×10⁻¹। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, हम कैलकुलेट करके पहले से रखे थे, × 10⁻¹ मीटर। ये आपका हो गया आंसर, नोट इट प्लीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में एक लोहे का गोला है, एक आयरन स्फेयर है, इसकी रेडियस ए है,
ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया गया। ये सब क्या है? इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट में समान भागों में इसको काटा गया। पहले भाग को पिघला करके L1 लंबाई का एक सिलेंडर बनाया गया और दूसरे भाग को पिघला करके L2 लंबाई का एक क्या बनाया गया? सिलेंडर बनाया गया। कह रहा है कि इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा इंटरमाप लेंथ, हाँ लेंथ के पदों में, लंबाई के पदों में इनके जो जो दो सिलेंडर हमको मिले इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो पहली बात तो ये स्फीयर था, दो बराबर भाग में बांटा गया और दोनों से क्या बनाए गए? सिलेंडर बनाए गए या सिलेंड्रिकल वायर बनाए गए, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो V1 बराबर V2, V1 बराबर V2, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम क्या है? सेम है बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, याद रखो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। तो पाई आर वन स्क्वायर एल वन इजकल टू पाई आर टू स्क्वायर एल टू, पाई पाई कैंसिल, आर वन स्क्वायर एल वन इजकल टू आर टू स्क्वायर एल टू। इतना तो क्लियर हुआ बेटा। अब बताओ आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर में कर रहा हूं बराबर क्या एल टू बटे एल वन नहीं होगा बेटा? एल टू बटे एल वन होगा कि नहीं होगा? अब बताओ बेटा आर वन बटे आर टू क्या होगा? रो मटेरियल एक है तो रो क्या होगा? समान होगा। रो एल वन अपान ए वन बटे रो एल टू अपान ए टू, रो रो कैंसिल क्या होगा? एल वन ए टू अपान एल टू ए वन हुआ। चलो भाई तो एल वन इंटू ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाई आर टू का स्क्वायर बटे एल टू पाई आर वन का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, एल वन बटे एल टू इंटू आर टू स्क्वायर बटे आर वन स्क्वायर ना। चलो भैया अब यहां बताओ अगर आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर बराबर एल टू स्क्वायर बटे एल वन, तो आर टू का स्क्वायर बटे आर वन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल वन अपॉन एल टू होगा कि नहीं होगा? ये आर वन अपॉन आर टू क्या हो जाएगा? आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल वन अपॉन एल टू, एल वन अपॉन एल टू इंटू एल वन अपॉन एल टू बराबर एल वन का स्क्वायर बटे एल टू का स्क्वायर आर वन बटे आर टू। ओके बेटा तो ये रेशियो निकल गया रेजिस्टेंस का किसके पद में? लेंथ के पद में, लंबाई के पद में जो है ये रेशियो निकल गया किसका? इन दोनों सिलेंडर के प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का अनुपात जो है लंबाई के पद में निकल गया। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर एक है, एक हालो सिलेंडर है, खोखला बेलन, खोखला बेलन आप लोग समझ रहे होंगे, खोखला बेलन खोखला बेलन भैया आप लोग खूब समझ रहे होंगे, लेकिन कह रहे होंगे सर क्या फिगर बना रहे हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ सर, हाँ अभी ना। इसका जो है लेंथ जो है ये दिया हुआ है 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और इसकी जो आउटर रेडियस है बेटा ये वाली रेडियस जो है ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और ये जो चौड़ाई है बेटा ये डेप्थ ये डी है, ये दिया है 5 mm, तो 5 mm का मतलब कितना हुआ बेटा? 5 mm को मीटर में बदलो बेटा, तो 5 × 10⁻³ हो गया ये। अब ये क्या हुआ? 5 × 10⁻²⁰ हो गया ये। ओके, और
रेजिस्टिविटी दी हुई है, प्रतिरोधकता दी हुई है, और कराज का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहले बेटा हम आर निकालते हैं, स्मॉल आर, ये वाला रेडियस निकालता हूँ मैं, तो क्या होगा आर माइनस आर, सॉरी आर माइनस डी, तो आर कितना है 5 × 10⁻², और डी कितना है 5 × 10⁻³, ये mm में दिया हुआ है, ठीक है। ये हुआ कितना बेटा, ये कितना हुआ, अगर हम इसमें 5 × 10⁻²² कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10⁻², मतलब 5 × 10⁻², 1 − 1/10, और 5 × 10⁻², 9/10, 5 × 5 = 10, बराबर 4.5 × 9 ना, तो भाग 4.5 × 10⁻², मीटर। ओके, ए निकाल लेता हूँ, ए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, πr² − πr² और πr + r, r - r ना। चलो पाई को रहने देता हूँ, r कितना है, कैपिटल r कितना है 5 × 10⁻², कैपिटल r स्मॉल, प्लस 4.5 × 10⁻², चलो 5 × 10⁻², −4.5 × 10⁻², हो गया। चल अब इसको ऐड करो, तो पाई इंटू 5 और प्लस 4.5, 9.5 × 10⁻², इंटू 0.5 × 10⁻², तो कितना हो गया बेटा, ये 3 7 से तो कटेगा नहीं, तो 3.14 × 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25, कैरी 2, और 5 × 9 = 45, 47 टू डिजिट डेसिमल, इंटू 10⁻⁴। अब ये चीज आ गई बेटा, अब ए का मान को कैलकुलेट करना होगा, हम तो देखें कैलकुलेट किए हैं कि नहीं लाल मेरे, किया किया किया, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14.92 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये 4 है बेटा, हो गया। तो आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। रो का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 1.7 × 10⁻⁸, एल का मान दिया हुआ 5 / a, ए का मान दिया हुआ 14.92 × 10⁻⁴। अब बेटा अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लेना बेटा, कैलकुलेट करोगे, देखो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, या यहाँ आगे लिख देता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो मेरे कैलकुलेशन में आया हुआ है ये क्या, 5.7 × 10⁻⁵ ohm, एक कैलकुलेशन कर लो। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को दे दे रहा हूँ, किसका, नीट का, किसका, नीट का क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ठीक है, नहीं यह नहीं, अभी नहीं, नीट का क्वेश्चन इसके बाद है 2019, अभी एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करिए, इसके बाद का नीट का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। वैसे भी यह भी जो क्वेश्चन आपका है यह नीट लेवल का ही क्वेश्चन है, भले ही बोर्ड लेवल में पूछ ले तो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, देखो एक कंडक्टर है आयरन का, लोहे का,
यह कंडक्टर है कॉपर का, दोनों की लेंथ समान है, दोनों की लेंथ समान है और दोनों के इंड्स पर सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो भी वी है, समान है। कराल अगर आयरन की आयरन कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतना हो और कॉपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतना हो, करा है कि एट व्हाट रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ना चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ कंडक्टर विल बी सेम, ठीक है। अच्छा चलो बेटा, तो आयरन आर आई बराबर क्या होगा, रो आई एल अपान ए आई, और आर कापर क्या होगा, रो कापर अपान एल अपान ए कापर, ठीक है। चलो अब देखो बेटा एक चीज जरा देखना यहां पर, कि चूंकि वोल्टेज क्या है, वी है, अगर यहां से करंट आई निकल रहा है, यहां पर करंट क्या निकल रहा है, आई, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर वी अपान वी इज टू आई आर ना, वी इज टू आई आर, तो आर इज टू वी अपान आई, आर इज टू वी अपान आई, तो लेकिन बेटा एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि ये आयरन है ये कॉपर है, इस दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, जब रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो क्या होगा, क्या करंट दोनों बराबर लेंगे, क्या दोनों करंट बराबर लेंगे, बोलो। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेशियो पर इसकी चार्ज डेंसिटी एन, इक्वल होगा, तो आई इज टू बेना से ए, अगर जैसे आई आई है आयरन और आई सी वी डी ई एन ए, तो एन तो इतना तो सेम हो गया दोनों का बेटा, अब इसी का अनुपात तो हमको निकालना है, इसी से मतलब जब करेंगे तो ए आई ए सी जब करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर आई अपान पाई आर स्क्वायर सी ना, कॉपर आयरन तो पाई पाई से कट जाएगा, हमको निकालना क्या है, आर वन अपान आर टू, क्या निकालना है, आर आई अपान आर सी, क्योंकि जब रेशियो करा किस रेशियो पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी दोनों की सेम हो, तो क्या इसको हम ये नहीं कह सकते कि वी अपान आई, ये भी वी अपान आई, मतलब आर वन बराबर आर आई बराबर आर सी लिख सकता हूँ इसको, तो जब इतना लिख सकता हूँ तो रो आई एल अपान ए आई इज टू रो सी एल अपान ए सी, तो एल से एल कैंसिल हो गया, मतलब रो आई अपान ए आई इज टू रो सी अपान ए सी। चलो करता हूँ इसको, रो आई दिया हुआ है बेटा और रो सी भी दिया हुआ, आई नहीं दिया हुआ है, मतलब ए नहीं दिया हुआ है, तो रो आई अपान पाई आर आई का स्क्वायर
इक्वल टू रो सी अपान पाई आर, सॉरी पाई आर सी का स्क्वायर। आर आई क्या है? आयरन वायर का रेडियस है ये। आर सी क्या है? कापर वायर का रेडियस है ये। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। तो रो आई अपान आर ओ, आर आई का स्क्वायर इसका टू रो सी अपान आर सी का स्क्वायर। इसको बेटा इधर भेज दो, अल्टरनेंडो, आर सी स्क्वायर अपान आर आई का स्क्वायर बराबर रो सी अपान रो आई, यानी आर आई का स्क्वायर अपान आर सी का स्क्वायर बराबर रो आई अपान रो सी। दिख रहा है कि नहीं यार? दिख तो रहा भाई मेरे। तो आर आई, आर आई फॉर आयरन, आर सी, सी फॉर कॉपर बराबर अंडर रूट रो आई अपान रो सी। अब बेटा वैल्यू रखो, वैल्यू रखो खटाखट, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर आई कितना है? एक है, एक बुढ़े दस घाते माइनस सात बटे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस आठ। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बोलो ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 बटे 1.6 बराबर 100 बटे 16, 10 बटे 4, 5 बटे 2 बराबर 5:2। अगर इनकी रेडियस का रेशियो 5:2 हो जाए, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? समान हो जाएगी। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, एक कापर वायर है, क्वेश्चन नंबर 10, ये नीट 2019 में आया हुआ है। एक कापर कंडक्टर है, कापर का चालक है, इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है इतना, इसका रेडियस 5 mm है, इसको मीटर कर दो, 5×10⁻³ मीटर कर दो। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो 5 एम्पियर का है। अगर आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 1.1×10⁻³ मीटर पर सेकंड है, करा इसकी मोबिलिटी क्या होगी, गतिशीलता क्या होगी? अभी तक गतिशीलता का एक भी क्वेश्चन आप नहीं पाए, और पाए तो वो भी जा करके नीट में, कहाँ पाए? नीट में। अब मोबिलिटी आ गई बेटा, मोबिलिटी आपको पढ़ाया गया है। पहले ये काम ये करो कि ये बताओ वी डी बराबर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, ये चीज आप देखे होंगे, पढ़ाया गया है आपको, ये पोटेंशियल के भी टर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म में इस फार्मूले को आपको बताया गया था। ठीक है, इसको हम ये भी ले सकते हैं कि वी अपॉन एल, वी अपॉन एल इंटू ई अपॉन एम टाउ। ओके, तो वी अपॉन एल क्या ले सकते हैं? ई, सॉरी 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 ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ई टाउ अपॉन एम ले सकते हैं, ई ई टाउ अपॉन एम। तो अगर हम वी डी अपान ई कर लें, क्योंकि ये मोबिलिटी है, बराबर क्या हो जाएगा? वी डी पानी ई टाउ अपान एम हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? मोबिलिटी। तो ई टाउ अपान एम। लेकिन बेटा मोबिलिटी के लिए ये फार्मूला तो हम लोग निकाल लिए, वैसे ही बताए थे, जब मोबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो इस फार्मूले को बताया गया था आपको। अब हमको टाउ पता नहीं है। अच्छा चलो फिर देखता हूँ रेजिस्टिविटी का फार्मूला। रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टाउ, यही तो होता है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से नहीं होता है ये, इसको बेटा हम लिख सकते हैं कि एम एन ई इंटू ई टाउ, ई स्क्वायर को ई इंटू ई लिख दिया, तो बराबर 1/ln e इंटू ई टाउ अपान एम। ई टाउ अपान एम क्या ले सकते हैं? मोबिलिटी। तो बराबर क्या होगा? 1 इसको म्यू ले सकते हैं,
म्यू एन ई रो बराबर, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान रो एन ई। अब मामला फिट हो गया, मामला फिट हुआ कि नहीं? अभी कहाँ फिट हुआ, अभी नहीं फिट हुआ भाई। एल कहाँ से पाएंगे हम इसमें, कहाँ से पाएंगे? प्रॉब्लम 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 आ गया ना बेटा। एन की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, एन की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो आई बराबर वेना से, आई बराबर वी डी ई एन ए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान वी डी ई ए। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो अब एन की वैल्यू, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वन अपान रो एन की वैल्यू आई अपान वी डी ई ए, वी डी की वैल्यू इंटू ई ए, तो ई ए कट गया, तो क्या निकला, ये वी डी अपान रो आई, रो आई वी डी अपान रो आई। गलत कर रहा हूं क्या मैं? जरूर गलत कर रहा हूं, जरूर गलत कर रहा हूं बेटा। यहां म्यू बराबर जो था हमारा, म्यू बराबर वन अपान रो एन ई है, और एन की वैल्यू रखी यहां ये है ही नहीं, तो वन अपान रो आई अपान वी डी ई ए, ये चला जाएगा ऊपर, वी डी ई ए अपान रो आई। अब मामला बना म्यू बराबर, म्यू बराबर, अब वी डी भी मालूम है, ई मालूम ही है, ए हम मालूम कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर वी डी ई पाई आर स्क्वायर अपान रो आई। तो अब बेटा एक काम करिए, अब सबकी वैल्यू रख दो बेटा इसमें, तो वी डी की वैल्यू कितनी है, 1.1 × 10⁻³। ई की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ ना ई की, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू और इतना स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 25 × 10⁻⁶ अपान रो, रो कितना है, वन, यहाँ 1.7 × 10⁻¹⁸, और आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। अब बेटा इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे ये लगभग आएगा 1727/1700, ये लगभग एक के होगा, एप्रोक्स क्या, मीटर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू है अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ऐसा होता है कि नीट के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहते हैं, चार ऑप्शन, जो वन के आसपास हो उसी पर सही का निशान लगा दो। समझ में आया, इसको आप नोट कर लीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्या गलत बोला यार, रेजिस्टेंस, इसमें हम पैरेलल पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे ना, और दो चार न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ और पढ़ेंगे, इसके बाद तब आपको धुआंधार कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, डीपी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।